सैम ऑल्टमैन एआई रिवॉल्यूशन के पीछे की असली कहानी। सैम ऑल्टमैन ने एआई रिवॉल्यूशन को शुरू किया है, जानिए उनकी कहानी और ओपन एआई के बारे में अधिक। आई थिंक द बिगेस्ट सरप्राइज वाज जस्ट द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, ऑप्टिमिज्म, बिलीफ इन द फ्यूचर एंड व्हाट दिस इज गोना मीन एवरीवेयर। It like I kind of knew what it was like in the Bay Area, and then it was like much more intense everywhere else. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको AI की दुनिया में ले जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम ऑल्टमैन के बारे में, जिन्होंने AI रिवॉल्यूशन की शुरुआत की है, और साथ ही हम बात करेंगे ओपन एआई के बारे में, जिसने एआई की दुनिया को बदलने का इरादा कर लिया है। एक क्रांति के पीछे एक महान व्यक्ति सैम ऑल्टमैन के सफर का राज। दोस्तों, सैम ऑल्टमैन एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, प्रोग्रामर और इन्वेस्टर हैं, जो सैन फ्रांसिस्को की एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी ओपन एआई के को-फाउंडर हैं। लेकिन पहले से शुरुआत करते हैं। ऑल्टमैन ने 2009 में एक लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लूप्ड की शुरुआत की, जो 2012 में ग्रीन डॉट कॉरपोरेशन ने $43.4 मिलियन में खरीद लिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिलिकॉन वैली तक सैम ऑल्टमैन का सफर। सैम ऑल्टमैन का जन्म शिकागो इलियोनिस में हुआ। उन्होंने जॉन बर्फ स्कूल सेंट लुइस मिसौरी से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर उन्होंने 2005 में कंप्यूटर साइंस में डिग्री के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया। स्टैनफोर्ड से ड्रॉप होने के बाद ऑल्टमैन ने अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। वाई कॉम्बिनेटर से रेडिट तक सैम ऑल्टमैन की अद्भुत यात्रा। ऑल्टमैन ने 2014 में वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। उसके बाद सन 2014 में रेडिट के सीईओ बने, लेकिन सिर्फ 8 दिन के लिए। उनके पोर्टफोलियो कंपनीज में एयरबीएनबी, स्ट्राइप, रेडिट, पिंटरेस्ट और दूसरी कंपनियां शामिल हैं। ओपन एआई, एआई क्रांति का जन्म। सैम ऑल्टमैन ने एलन मस्क, रीड हॉफमैन और पीटर थेल के साथ मिलकर ओपन एआई को शुरुआत किया था, लेकिन मस्क ने 2018 में ओपन एआई की दिशा से अनमत होने के बाद कंपनी को छोड़ दिया। आज ओपन एआई की वैल्यूएशन लगभग $29 बिलियन है, लेकिन ऑल्टमैन का इसमें कोई इक्विटी स्टेक नहीं है। चैट जीपीटी और एआई क्रांति। ओपन एआई ने नवंबर 2022 में डाल ई और चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई मॉडल्स लॉन्च किए। चैट जीपीटी के साथ सैम ऑल्टमैन का जुड़ाव माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टमेंट के बाद बढ़ गया। माइक्रोसॉफ्ट बिल 2023 इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने एआई पावर्ड फीचर्स, बिंग और चैट जीपीटी इंटीग्रेशन के लॉन्च के बारे में बताया। भारतीय कंपनीज और एआई संयोजन। एआई टेक्नोलॉजी और एआई बैकएंड प्रोडक्ट्स के तेजी से बढ़ने के साथ भारतीय कंपनीज और स्टार्टअप्स भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में 5th पोजीशन पर है। हाल ही में सैम ऑल्टमैन ने भारत की तरफ इशारा करते हुए चर्चा शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के लिए चैट जीपीटी जैसा मॉडल बनाना आशाहीन है। पर उन्होंने बाद में एक ट्वीट में क्लैरिफाई किया कि उनका स्टेटमेंट गलत तरीके से समझा गया था। तो दोस्तों, ये थी सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई के बारे में कुछ रोचक और दिलचस्प जानकारी। सैम ऑल्टमैन ने एआई रिवॉल्यूशन के नए दरवाजे खोले हैं, और ओपन एआई एआई की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। चैट जीपीटी जैसी एआई टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में नए अवसर लेके आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ संध्या। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर और फॉलो फॉर रेगुलर अपडेट्स। ऑल्सो
please leave a comment to let us know how do you feel about this information. Moreover, please tag your friends or relatives whom you think may relate to this post. क्या आपको पता है AI revolution के पीछे का राज? सैम ऑल्टमैन और ओपन AI के बारे में जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।